Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। बाजार और बजट का क्या नाता है ये समझना हो तो बस बजट के बाद बाजार के हाल पर नजर डाल लीजिए। 1 फरवरी को मोदी सरकार की ओर से अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट यानी अंतरिम बजट पेश किया गया, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पावर सेक्टर के लिए बजटीय आवंटन में बढ़त के ऐलान कर दिए गए। और इसके एक दिन बाद 2 फरवरी को सरकारी स्वामित्व वाली पावर कंपनियों में जोरदार तेजी देखने को मिली। किस स्टॉक ने कैसा कमाल किया, चलिए जानते हैं आज के वीडियो पे, ताकि आप उसमें आगे के लिए नजर बनाए रख सकें। इस बजट में पावर सेक्टर के लिए 93,200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल के 79,616 करोड़ के संशोधित आवंटन से 17% ज्यादा है। इस आवंटन के ऐलान के बाद ही 2 फरवरी को SJVN, NHPC और पावर ग्रिड के शेयरों में 14% तक की जोरदार तेजी देखने को मिली। दरअसल इस ऐलान में NHPC का आवंटन 9,006 करोड़ से बढ़ाकर 11,761 करोड़ रुपए कर दिया गया। इससे बाजार में निवेशक पॉजिटिव हो गए, उनको ये पॉजिटिव संकेत मिला कि अब ये दौड़ेगा। और NSE पर स्टॉक 2 फरवरी को 12% चढ़कर 103 रुपए के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। ये तेजी इस शेयर की 2 साल में एक दिन की सबसे अच्छी बढ़त है। देखा जाए तो इस स्टॉक में इसके ऑफर फॉर सेल प्राइस यानी 66 रुपए से अब तक 50% की तेजी आ चुकी है, यानी ये स्टॉक अब नजर बनाए रखने लायक हो गया है। दूसरा नाम आता है पावर ग्रिड का। इस बजट में पावर ग्रिड का आवंटन 8,800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12,250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे NSE पर स्टॉक 2 फरवरी को 5% चढ़कर 281.40 रुपए के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। पिछले साल इस स्टॉक में 75% और पिछले महीने में लगभग 50% की तेजी आई है, और अब ऐसा ऐलान इस शेयर को घोड़े की रफ्तार से दौड़ने लायक बना रहा है। अब बात SJVN की। इसमें 2 फरवरी को पहले से ही तेजी का माहौल बना हुआ दिखाई दे रहा था, ऊपर से सरकार का ये आवंटन बढ़ाने का ऐलान, इसके बाद तो इस स्टॉक में मानो पंख लग गए हो। पिछले कारोबारी सत्र की तेजी को बरकरार रखते हुए SJVN के शेयर 2 फरवरी को 15% तक की तेजी दिखा गए। बजट में SJVN के लिए बजटीय आवंटन 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिसके चलते शेयर 12.07% चढ़कर 142.95 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। अब ये स्टॉक अपने OFS यानी ऑफर फॉर सेल मूल्य 69 रुपए से 2 गुने से ज्यादा बढ़ गया है। ऑफर फॉर सेल को सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था, जिससे कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी घटकर 55% हो गई थी। पिछले 6 महीने में SJVN के शेयर में 155% से ज्यादा की तेजी देखी गई है। ये वो स्टॉक्स हैं जिनका बजट के ऐलान के बाद पॉजिटिव असर निवेशकों को माला माल कर रहा है। क्या आपके पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक्स? अगर हैं तो नजर बनाए रखें और संभाल कर रखें, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा करा सकते हैं ये शेयर। ये खबर हमने केवल आपकी जानकारी के लिए बनाई है। अगर आपको निवेश करना है किसी भी प्रकार के स्टॉक में तो पहले अपने किसी वित्तीय सलाहकार की राय भी जरूर ले लें। पुस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। मिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।